हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो जो है ना वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज बनाने वाली हूँ स्ट्रीट फूड 24 घंटे के लिए, और चैलेंज भी 24 आवर है। सो इसमें ना मैं सुबह दोपहर रात को सब कुछ ही जो होगा वो स्ट्रीट फूड होगा, बट सब कुछ घर पर कुक करूंगी, कुछ भी बाहर से मैं लेकर नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर का खाने का। और तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा है कि आज मैं कुलचे छोले बनाऊंगी। पंजाब की बहुत फेमस डिश है कुलचे छोले, और हर नुक्कड़ हर मोड़ पे आपको ना कुलचे छोले वाले भैया खड़े मिल जाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं ब्रेड वगैरह ले आई थी रात को ही, और मैं ले आई थी जो छोले होते हैं ना वो भी मैंने रात को भिगो दिए थे। सो अब हम बॉयल करेंगे। सारी रेसिपी वगैरह भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये रहे मेरे वाइट छोले, मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अभी मैं इसे जो हूँ गैस पर चढ़ाकर बॉयल करूंगी। कुलचा मैं गरम कर लेती हूँ अभी, और ये थोड़ा सा ना मिलते हैं कुलचे, उससे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है, तो मैं इसे हाफ कट करके जो है फिल करूंगी। सबसे पहले ना आलू बॉईल कर लिए हैं और उन्हें मैश भी कर लिया है। सो इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, देन इसको हम पकाएंगे बेसन के घोल के साथ। बेसन का घोल जो है मेरा रेडी है, बस इसमें पानी डालना है मुझे। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, और इसमें मैं डालूंगी अभी अमचूर थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें बाकी जो भी आपको मसाले डालना हो, मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक और धनिया पाउडर जो है ऐड करूंगी। धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और मैं इसको मैश कर लूंगी अपने हाथों से ही। सब कुछ परफेक्ट है। मसाले वगैरह जो धनिया, हरा धनिया होता है वो भी डाल सकते हो उसके लिए, मतलब जो आपकी इच्छा हो आप वो सब कुछ डाल सकते हो। मैं सिर्फ अपने हिसाब से बना रही हूँ। अब हम छोटे छोटे से लड्डू जैसे ना शेप बना लेंगे इनकी, गोल गोल। मैं इन्हें बस अभी फ्राई करूंगी बेसन के अंदर डाल के। तो बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं उससे पहले। दिस इज बेसन, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है पानी डालूंगी। इसको पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना इसको। दो मिर्ची भी जो है ना डायरेक्ट फ्राई करूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा कट लगा लिया ताकि एकदम से ये ना फट ना जाए। और एक्स्ट्रा जो घोल था ना उसको भी मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि इसे भी जो है ना सर्व किया जाता है हमेशा बड़े पाव, बड़ा पाव के साथ। तो ये वाला जो है, ये वाला मैं नहीं खाने वाली हूँ, बट ये जो है डेफिनेटली मैं इसे थोड़ा क्रिस्पी करके मिर्ची वगैरह के साथ सर्व करेंगे हम। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ असेंबल करना है अपने वड़ा पाव को, तो मैं इसे सबसे पहले कट कर लूंगी। इसे असेंबल करने के लिए सबसे पहले ये ग्रीन चटनी जो कि मैं एक साइड पर लगाऊंगी, साथ हम रखेंगे अपना वड़ा जिसको हमने अभी फ्राई किया है और ये गर्म भी है काफी। एक साइड पे हम लगाएंगे दिस
गार्लिक की चटनी जो कि ड्राई होती है, कोकोनट चटनी भी यूज कर सकते हैं इसमें, और ये है पीनट चटनी, पीनट और गार्लिक चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम अपनी भजिया के साथ भी थोड़ा सा सर्व करेंगे, और फ्राई मिर्ची जो हमने की थी फ्राई मिर्ची के साथ हम इसे सर्व करेंगे। इसी साथ में लेंगे हम हरी चटनी फॉर टेस्ट। तो अभी हम खा के बताते हैं, जो कि मेरी हरी चटनी का बुरा हाल हो गया, बेचारी पूरी प्लेट में फैल चुकी है। सो मैं ये ट्राई करूँगी सबसे पहले अपना वड़ा पाव। दिस इज सो गुड। सुबह वाला जो नाश्ता था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल किसी मार्केट जैसा नहीं बना था, बट दिस वन जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द गार्लिक चटनी और हरी चटनी ना, वाओ। और इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है इसकी। मैं मेरा फिनिश करती हूँ लंच, तो मैं आप लोगों को मिलूंगी मेरे इवनिंग स्नैक्स टाइम में। हेलो जी, तो शाम का टाइम हो चुका है, मुझे लगने लगी है थोड़ी थोड़ी भूख। तो शाम के टाइम में मैं लेने वाली हूँ आज ढोकला, जो कि गुजरात से है स्ट्रीट फूड, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ का ढोकला, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होता है। तो वही मैं खाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और तो बहुत ज़्यादा ओवर ईट मैं नहीं करने वाली हूँ। तो दो ढोकला पीसेस मेरे लिए सफिशेंट होंगे, और इसके साथ है हरी मिर्ची भी, तीखी तीखी सी, बहुत अच्छा लगता है ये खट्टा मीठा और तीखा कॉम्बो जो कि है, और हल्का भी रहेगा ये रात के टाइम पे, क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी मेरा जो डिनर है वो होने वाला है, तो इसके लिए मैं थोड़ा हल्का सा ही जो स्नैक्स लूंगी अभी। सो हेयर आई एम अगेन इन माई किचन, और मैं अभी अपने डिनर की प्लानिंग कर रही हूँ। सो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज, जो कि बीट यानी आटे के बनाऊंगी मैं, और मैदे वगैरह के बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ सुबह से, क्योंकि ना ब्रेड और वो जो मैदा खा खा के ना मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है कि मतलब मुझे सिर्फ ना थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा हेल्दी वर्जन खा लूँ। और मोमोज का मैंने सबसे पहले प्लान कर लिया था कि मैं मोमोज ज़रूर बनाऊंगी, स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो अभी हम डिनर में बनाएंगे, और मैंने सारी तैयारी अपनी कर ली है, और मैं जो हूँ ना अभी बस जो मोमोज हैं वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया, वेजिटेबल्स कट कर लिए अपने। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं, देखने सकते हो दे आर लुकिंग सो गुड। आटे के हैं पूरे हेल्दी वर्जन, और इसे मैं लेने वाली हूँ थोड़ी सी हरी चटनी के साथ। थोड़े मोदक शेप जो है मैंने दे दी थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं आती है चीज़ स्टफिंग मैंने खाई ना, सो इट वॉज सो गुड। सो अभी मैंने टेस्ट करने वाली हूँ। सीरियसली गाइस, अदरक ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था, मुझे था कि बचा हुआ मैं कहाँ रखूँगी इसको, मैंने सारे डाल दिया था, बट वो जो एक्स्ट्रा अदरक का फ्लेवर आ रहा है ना, वाओ बहुत ही अच्छा आ रहा है। एकदम जैसे ना सर्दी में हम लोग खाना खाते हैं ना, ज़्यादा अदरक का टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट हो रहा है। कुछ ये नहीं मैंने खुद बनाए हैं, बट डेफिनेटली मुझे जो वड़ा पाव था आज का और ये मोमोज बहुत ही बढ़िया लगे सुबह के नाश्ते के कंपैरेटिवली, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये 24 आवर चैलेंज पसंद आया होगा, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने फुली, जो जो मेरी क्रेविंग्स थी, और काफ़ी लंबे से मैं ना सोच रही थी कि ये चीज़ें मुझे घर पे बनानी है, तो वो इस वीडियो के दौरान मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। सो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये रेसिपीज़। अगर आप ट्राई करते हो ना तो मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल मत भूलना। सो मैं मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।